तो हे गाइस, कैसे हो यार सभी। आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसमें मुझे बहुत सारे कमेंट्स एंड बहुत सारे इंस्टाग्राम पर मैसेजेस आ रहे थे, डीबेल फेयरनेस क्रीम का रिव्यू कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये जो क्रीम है यूट्यूब पर बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रही है और इस पर यूट्यूब पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे और उन वीडियोस में ये बताया जा रहा है कि ये आपकी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करती है। साथ ही साथ अगर आपके फेस पर डार्क स्पॉट है, हाइपर पिगमेंटेशन है, मलेजमा है या फिर एक्ने पिंपल्स के स्कार्स है या फिर आपको फाइन लाइंस की प्रॉब्लम है, विंकल्स की प्रॉब्लम है, आपको एजिंग की प्रॉब्लम है, उन सारी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने के साथ आपकी स्किन को सन से प्रोटेक्ट करती है। तो गाइस, एक्चुअल में फेयरनेस क्रीम की क्या सच्चाई, क्या ये हमारी स्किन के लिए सेफ है, अगर सेफ है तो इसको किस प्रोसेस से यूज करना चाहिए और कब तक हम इस क्रीम को यूज कर सकते हैं, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ गाइस, अगर आपको मुझसे कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है smileyteam07। आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना आप हमें वहां पर बेशक पूछ सकते हो, 24 आवर आपकी हेल्प के लिए मैं वहां पर रेडी रहूंगा। और गाइस, जो मैं आपकी हेल्प करता हूं वो क्लियर आउट होने के बाद आपको मुझे कुछ देना पड़ेगा। तो गाइस, अब आप सोच रहे होगे आपको क्या देना पड़ेगा, तो गाइस जो मैं आपका हेल्प करता हूं वो क्लियर आउट होने के बाद बस आपको एक दिन का खाना उन लोगों को देना पड़ेगा जिनको वन टाइम का खाना नहीं मिल पाता है। तो गाइस, आप ये छोटा सा काम जरूर करोगे मुझे पता है। तो गाइस, अब चलते हैं वीडियो के टॉपिक पर। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो गाइस, जो डीबेल फेयरनेस क्रीम, अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करूं तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें लगभग सारे के सारे नेचुरल बेस पर डाले गए जो कि हमारी स्किन के लिए सेफ है। इंग्रेडिएंट्स के तौर पर इसमें मलबरी एक्सट्रैक्ट, कोजिक एसिड एंड कोकोनट ऑयल डाला गया है जो कि हमारी स्किन के लिए सेफ होता है। अगर मैं कंपनी के क्लैम्प्स के बारे में बात करूं तो कंपनी यहाँ पर यह क्लैम्प करती है कि यह आपकी स्किन को नरस करेगा, साथ ही साथ आपकी स्किन को ब्राइटनिंग लुक देगा, आपको एंटी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, आपको एजिंग की प्रॉब्लम उसको स्लो डाउन करेगा और आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाएगा, आपकी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करेगा, आपकी अगर आपकी स्किन पर जो दाग धब्बे उसको भी रिमूव करेगा, मतलब कि आपकी स्किन को क्लीन एंड क्लियर बनाने के साथ आपकी स्किन में एक शाइन प्रोवाइड कराएगा, आपकी स्किन में एक रेडिएंट लुक देगा। देखो गाइस, अगर मेरा एक्सपीरियंस जानो, अगर आप इस क्रीम को यूज करना चाहते हो स्किन व्हाइटनिंग एंड स्किन ब्राइटनिंग के लिए तो आप इसको यूज करके देख सकते हो, लेकिन रिजल्ट उतना इफेक्टिव नहीं है। लगभग अगर आप इस क्रीम को 2 से 3 महीना यूज करते हो ना, थोड़ा थोड़ा आपको इफेक्ट दिखेगा, मतलब इतना फास्ट भी नहीं है कि 7-10 दिन में आपके चेहरे को गोरा कर देगा, तो ऐसा कुछ नहीं। अगर आप इसको यूज करते हो तो लगभग आपको 2 से 3 महीना यूज करने के बाद थोड़ा थोड़ा इफेक्ट दिखेगा। तो गाइस, अगर आप अपनी स्किन को जल्दी इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, जल्दी आपकी स्किन में एक रेडिएंट लुक लाना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से आप मेला ग्लो रिच स्किन लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग क्रीम या फिर आप डी मलाइन क्रीम या फिर आप इंस्टा व्हाइट पैक यूज में ले सकते हो, जो कि आपकी स्किन को रेडिएंट लुक देने में काफी हेल्प करेगा। थैंक यू।